जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, अक्टूबर में बागेश्वर दरबार कहां कहां लगने वाले हैं, धाम पर गुरुजी आपको कब मिलेंगे, बागेश्वर सरकार की आगामी कथाएं कहां कहां होने वाली हैं, इसी दरबार धाम पर कब लगने वाला है, प्रेत दरबार धाम पर कब लगेगा, कितने बजे से लगेगा, धाम पे व्यवस्थाएं क्या है, दरबारों में कथाओं की व्यवस्थाओं की सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती चली जाएगी। दोस्तों, जैसे ही अक्टूबर का शेड्यूल गुरुदेव बताते हैं, आपको संपूर्ण और सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती चली जाएगी। दोस्तों, हम अपनी तरफ से कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं बताते हैं, जो गुरुदेव हमसे बताते हैं वही आपको वीडियो के द्वारा सूचित किया जाता है। मेरे दोस्तों, अपनी तरफ से कोई भी फेक जानकारी आप तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, कल एक बहन का महाराष्ट्र से कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम 20 तारीख को आपके कहने के अनुसार धाम पर पहुंच गए थे लेकिन हमें गुरुजी नहीं मिल पाए थे। तो हम आपको बता दें, गुरुजी ने अचानक से प्रोग्राम में बदलाव किया और यह बदलाव गुरुजी ने 19 सितंबर को शाम को किया था, क्योंकि गुरुजी के जो महाराज जी हैं वो वृंदावन से, उनका फ़ोन आया था, राजेंद्र दास जी महाराज उनका बर्थडे था और संत समारोह रखा गया था, इसलिए गुरुजी को अचानक से वृंदावन जाना पड़ा 20 तारीख को। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल पर कोई गलत जानकारी नहीं देते हैं, जो बागेश्वर सरकार अपने मुंह से स्वयं बताते हैं वही जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। मेरे दोस्तों, और गुरुजी ने अपने प्रोग्राम में यह भी बताया था कि 21 सितंबर को 22 सितंबर को गुरुजी धाम पर रहेंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। दोस्तों, 25 सितंबर के बारे में भी गुरुजी ने बताया था धाम पर रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे कमेंट करके पूछते हैं, आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जिन बहन का फ़ोन आया था महाराष्ट्र से और कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम 20 तारीख को बागेश्वर धाम पहुंचे, हमें गुरुजी नहीं मिले, आप झूठी जानकारी देते हैं। तो हम आपको बता दें, जैसे ही 19 तारीख को गुरुजी ने वृंदावन जाने की बात कही थी, तो 20 तारीख की सुबह को हमने वीडियो अपलोड कर दी थी यूट्यूब चैनल पर, और आपसे बताते हैं हर वीडियो में कि जब भी धाम पर आया करें तो एक दिन पहले पूछ लिया करें कॉमेंट करके, क्योंकि गुरुजी के अचानक से बदलाव हो जाते हैं प्रोग्राम में और हम झूठे बन जाते हैं आप लोगों की नज़रों में। तो कृपया ध्यान दें, हम कोई गलत जानकारी आपको नहीं देते हैं। मेरे दोस्तों, कमेंट के द्वारा आप पूछ के आएँ, जिससे गुरुजी अगर बदलाव करते हैं दरबार और कथाओं के बारे में तो आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप जानते ही हैं, सितंबर महीने में दो बदलाव हो चुके हैं दरबार और कथाओं के बारे में। पहला बदलाव भिलाई छत्तीसगढ़, जो 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम होने वाला था, गुरुजी ने वो भी कैंसिल कर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। और 16 से 18 को जो भोपाल मध्य प्रदेश में कथा होने जा रही थी उसको ट्रांसफ़र करके 27 से 28 सितंबर तक कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही गुरुजी के अचानक से प्रोग्राम के बदलाव हो। और आपको बता दें, गुरुजी कल वृंदावन में गए थे राजेंद्र दास महाराज जी के प्रोग्राम में, वहां संत समारोह रखा गया था, तो पूज्य गुरुदेव को वहां निमंत्रण किया गया था 20 तारीख को, इसलिए गुरुजी धाम पर नहीं मिल पाए थे, क्योंकि काफ़ी लोग आए गुरुजी को मिलने के लिए, गुरुजी नहीं मिले तो कमेंट में उन्होंने लिखा। तो कृपया ध्यान दें, अक्टूबर की जानकारी आपको सही तरीके से दी जाएगी, कहाँ कहाँ पर दरबार लगने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जैसे ही हम यहाँ से वीडियो डालेंगे वो आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाएगी और धाम और कथाएं और दरबार के बारे में आप सही सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे मेरे दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगली वीडियो अक्टूबर की डालेंगे, अक्टूबर में दरबार कहां कहां लगने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय।